नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि हर साल 2-3 साल में कुछ ना कुछ प्लॉट फ्लैट खरीदते रहते हैं, बड़ा अमाउंट का। मान लेते हैं कि 25 लाख का प्लॉट में ना खरीद के म्यूचुअल फंड में प्लॉट खरीदते तो क्या हो सकता था, इसके बारे में टॉपिक है। यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं कि 25 लाख रुपया कोई भी प्लॉट फ्लैट खरीदते हैं तो लंबे समय के लिए रखते हैं, 30 साल के लिए रिमेन इन्वेस्टेड हो, और 15% का रिटर्न अगर कैलकुलेट करता हूँ तो 13 करोड़ 24 लाख रुपया बनता है। और यदि 12% का रिटर्न यहाँ पे मिलता है तो पैसा बनता है यहाँ पे लगभग 6 करोड़ रुपया। और 10% भी हो, मिनिमम से मिनिमम 10% भी रिटर्न कैलकुलेट करें तो यहाँ पे पैसा बनता है 3 करोड़ 48 लाख रुपया। अब जरा लाइव रिकॉर्ड देखते हैं कि अगर किसी ने म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट 25 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, हालांकि पुराना रिकॉर्ड ही दिखा सकते हैं, नया नहीं दिखा सकते हैं, पिछले 22 साल पहले, 30 साल पहले का रिकॉर्ड है ही नहीं क्योंकि कैलकुलेटर में 22 साल से ज़्यादा है ही नहीं। 22 साल पहले किसी ने इन्वेस्ट किया था 25 लाख रुपया, तो पहला फंड आता है यहाँ पे निपोन इंडिया ग्रोथ फंड। यहाँ पे ये पहला फंड है जहाँ पे मैंने भी इन्वेस्ट किया है। 2001 में 25 लाख रुपये लगाया था, आज के डेट में वैल्यू है 36 करोड़ 77 लाख रुपया, 25% का सालाना रिटर्न मिला है। दूसरा फंड आता है फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा, 2001 में जो 25 लाख रुपया वन टाइम इन्वेस्टेड था उस पैसे का आज वैल्यू है 23 करोड़ 95 लाख रुपया। इसी तरह से करके सारे फंड को HDFC फ्लेक्सी कैप देख सकते हैं, 25 लाख का वैल्यू यहाँ पे बनाया है 18 करोड़ 92 लैक्स, 21% का सालाना रिटर्न। सबसे लास्ट में अगर फंड देखा जाए तो कौन सा डूबा कौन सा भागा, यहाँ देखते हैं। डूबते हुए मतलब सबसे नीचे वाले फंड को अगर हम देखते हैं तो JM वैल्यू फंड 25 लाख का पिछले 22 साल में बनाया है 2 करोड़ 21 लाख रुपया, 10.43% का रिटर्न मिला है। दूसरा है बॉटम से LIC म्यूचुअल फंड फ्लेक्सी कैप फंड, 25 लाख वन टाइम का वैल्यू बनाया है 3 करोड़ 52 लाख रुपया। इस तरह से करके आप सारे को आप चेक कर सकते हैं। और जो एक बीमारी है ना, हर साल जमीन खरीदेंगे प्लॉट खरीदेंगे, कुछ अमीरों के चक्कर में प्लॉट फ्लैट का दाम इतना बढ़ गया है कि ज़रूरतमंद उसको खरीद नहीं पाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में जितना पैसा कमाया सब झोंकता गया प्लॉट फ्लैट में। वहाँ से अगला बार पैसा ना इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड में डाल लिए, जितना लालच भरा पड़ा है ना वो सब लालच शांत हो जाएगा, इतना पैसा हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं खेत वाला ज़मीन काट काट करके बिल्डिंग ठोक दिया और खाने का जगह नहीं मिल रहा। हर शहर में आप देखेंगे, मैं तो ये ऑब्जर्व किया हूँ, कोई भी शहर ले लीजिए उसके 5 किलोमीटर इधर चलिए, बस में बैठ जाइए, खिड़की की तरफ बैठ जाइए, शहर खत्म हो गया। अब 5 किलोमीटर देखेंगे इधर और 5 किलोमीटर इधर, प्लॉटिंग 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 मिलेगा, वहाँ खेत वेत नहीं है, सिर्फ प्लॉटिंग मिलेगा आपको। और इंतजार कर रहे हैं 10 साल 15 साल कि बढ़ेगा तो बेचूंगा। अरे अभी बाउंड्री क्यों लगा दिया, अभी तो साग सब्जी होने दीजिए उसी में। तो अगला जो वो बाउंड्री काट करके खेत को लेना चाहते हैं ना, वहाँ न लेके मचमच फंड में पैसा झोंकिए, उससे ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और वहाँ खेत में जो होना है ऑर्गेनिक होने दीजिए। अब एक क्वेश्चन होता है कि मैं AMC वाइज अगर मुझे चेक करना है कि कौन सा बेहतरीन फंड है, किसी भी AMC में आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, जहां भी लगा रहे हैं, कोई तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग हमारे इन्वेस्टर हैं, कहीं और से इन्वेस्ट किए होंगे, तो यहाँ पे पहले ही StarSIP.in में जाएंगे तो वन टाइम लमसम में ऑल AMC लिखा हुआ है। इसमें मान लेते हैं आपका पैसा HDFC में है। अब HDFC में कौन सा स्कीम में है वो तो आपको पता है, लेकिन कौन सा सबसे अच्छा है इसके लिए ऑल इक्विटी में जाइए, सबमिट कर दीजिए। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं परसेंटेज वाइज, ऑलरेडी परसेंटेज वाइज यहाँ पे अपने आप आ गया, तो यहाँ देखते हैं पिछले 10 साल में ऑलरेडी वहाँ पे सिलेक्टेड है, लास्ट 10 ईयर्स HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी सबसे ऊपर है, जहाँ की AUM भी काफ़ी ज़्यादा है, 47,000 करोड़, 10 लाख रुपया 10 साल पहले लगाया था तो 72 लाख रुपया बनाया है। अगर HDFC के किसी भी प्लान में आपका पैसा इन्वेस्टेड है तो वहां से निकल करके यदि आपके पास टाइम है 10 साल 12 साल 15 साल, तो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी में आपको पैसा लगा देना चाहिए और HDFC स्मॉल कैप में लगा देना चाहिए। इससे भी ज्यादा पैसा है और 3-4 फंड है तो HDFC फ्लेक्सी कैप में, 3 में आप पैसा डाइवर्सिफाइड करके लगा सकते हैं। तो यहां पे देखते हैं 10-10 लाख का वैल्यू पिछले 10 साल में, एक ने 72 लाख बनाया, एक ने 67 बनाया है, एक ने 48 बनाया है। सबसे लास्ट वाला फंड देखते हैं कितना बनाया है, 37 लाख रुपया 14.23% का रिटर्न दिया है। कौन सा फंड है,
HDFC लार्ज एंड मिड कैप, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ लार्ज कैप से थोड़ा सा बचेंगे अगर ज़्यादा लंबा समय है तो, 10 साल 12 साल 15 साल टाइम है तो मिड कैप स्मॉल कैप में जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब उसी तरह SBI के किसी प्लान में आपका पैसा हो, मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया SBI और आपको पता नहीं था, शुरू शुरू में लगा दिया, अब पता चला है कि थोड़ा बहुत वीडियो देखा कि कोई अच्छा फंड हो सकता है उसमें लगाना है, तो यहाँ पे परसेंटेज वाइज अपने आप आ गया, पहला फंड आ गया SBI स्मॉल कैप और दूसरा आ गया SBI मैग्नम मिड कैप। यहाँ पे 10 लाख रुपया लगाया वन टाइम, तो पहले फंड ने बनाया 1 करोड़ 7 लाख और दूसरे ने बनाया 63,96,000, 26% का रिटर्न, 20% का रिटर्न। सबसे लास्ट वाला देखते हैं, 10 लाख का बनाया है 29,74,000 और 38,63,000। अगर मान लो इन दोनों फंड में आपका पैसा है, फंड कौन सा है, SBI PSU, SBI मैग्नम ESG फंड, सेक्टोरियल फंड हो गया, तो यहां से निकल करके आप स्विच करके क्या कर देंगे, स्मॉल कैप मिड कैप में चले जाएंगे। आप कहेंगे कि स्मॉल कैप में तो स्विच होएगा नहीं, तो SBI कॉन्ट्रा में जा सकते हैं, SBI लार्ज एंड मिड कैप में जा सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं जिसमें AUM सबसे ज्यादा है, 21,000 करोड़, 13,000 करोड़, 15,000 करोड़, 16,000 करोड़, 29,000 करोड़, इस तरह से करके AUM वाइज में पैसा लगाना चाहिए। परसेंटेज वाइज ज़्यादा मत देखिए लेकिन AUM जरूर देखिए। और अच्छा परफॉर्म नहीं करने का रीजन भी है कि सबसे जिसमें कम AUM होगा, आप देखिए ना जो सबसे बॉटम में है उसका AUM भी काफ़ी कम है, हालांकि इसमें AUM ज़्यादा है फिर भी इसका रिटर्न कम है, 1,982 करोड़ है। हेल्थ केयर यहाँ पे 10 लाख का बनाया है 40 लाख, 14.93। तो आप इसी तरह से आपके पास कोई भी पोर्टफोलियो हो, यहाँ पे StarSIP.in में जा करके आप अपने पोर्टफोलियो को चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो अच्छा प्लान आपको समझ में आ रहा है, AUM वाइज भी देख सकते हैं, परसेंटेज वाइज भी देख सकते हैं, और उसमें धीरे धीरे करके आप स्विच कर सकते हैं। SIP भी इसी कैटेगरी से सर्च करके आप SIP भी उसी फंड में लगाइए जहाँ की AUM ज़्यादा हो। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में पहली बार शुरुआत करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे जाके आप एसेट प्लस में अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों से जरूर शेयर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।